हेलो गाइस, मैं एक फाइटर भाइयों के लिए एक न्यू बेस्ट कीबोर्ड लेके आया हूँ, जिस कीबोर्ड का नाम है एमहेरिक कीबोर्ड। यूट्यूब में काफ़ी लोगों ने इस कीबोर्ड को सर्च किया है, बट ये कीबोर्ड आपको मिला नहीं है। यूट्यूब पे एक भी वीडियो नहीं पड़ी है इस कीबोर्ड की। जाके आप सर्च मारोगे अभी तो देख लेना, एक भी वीडियो आपको नहीं मिलेगी। आज मैं इसी के टॉपिक पे बारे में बताने वाला हूँ, एक कीबोर्ड आपको कहाँ से मिलेगा और कैसे डाउनलोड करना है, इस कीबोर्ड में क्या क्या फीचर है, आज मैं इसी के बारे में बताऊँगा। और हाँ, हमारे यूट्यूब चैनल में न्यू है तो प्लीज़ प्रवीण ट्रीकर को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा लेटेस्ट वीडियो अपडेट के लिए, क्योंकि यहाँ पर मैं जेन्युइन और रियल कंटेंट डालता हूँ। तो मैं चलता हूँ, अपने कीबोर्ड को दिखा देता हूँ एक कीबोर्ड आपको कैसा दिखता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं इस कीबोर्ड को, मैं इसका वगैरह दिखा देता हूँ, एमहेरिक कीबोर्ड। तो मैं बैक आ जाता हूँ, बैक आने के बाद इसकी एक बार आपको टाइपिंग दिखा देता हूँ। तो चलता हूँ मैं अपने मैसेंजर में, तो मैं अपने मैसेंजर में आ गया हूँ। तो मैं उस कीबोर्ड को आप स्विच कर लेता हूँ, जैसा कि यहाँ पर देख पा रहे हैं, इस कीबोर्ड को मैं यहाँ पर स्विच कर लेता हूँ, एमहेरिक कीबोर्ड को यहाँ पर मैंने स्विच कर लिया है। ये आपको लॉन्ग प्रेस में दिखेगा, क्योंकि जैसे कि आप मेरे होम की स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, एक कैपिटल कीबोर्ड है, लॉन्ग प्रेस होगा। यहाँ पे जैसे कि टी मैं लिख रहा हूँ, यहाँ पे काफ़ी ऑसम टाइपिंग हो रही है इसकी, एक कैपिटल कीबोर्ड की तरह सेम है, क्योंकि कैपिटल कीबोर्ड का मोड वर्जन है। यहाँ पे जैसे कि आप देख पा रहे हैं, एम मैंने लिखा, यहाँ पे जैसे कि ए वर्ड लिख रहा हूँ, तो यहाँ पे काफ़ी ऑसम टाइपिंग हो रही है, क्योंकि ये काफ़ी मस्त कीबोर्ड है। आपको एक कीबोर्ड लेना है तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां पे एक कीबोर्ड आपको प्रोवाइड कर दूंगा। और यहां पे देख सकते हैं भाई, कितनी औसम टाइपिंग हो रही है इसमें। आपको मैथ आता है तो मैथ मिला के आप कर सकते हैं, जैसे कि मैं आपके सामने कर पा रहा हूँ। भाई काफ़ी गजब का कीबोर्ड है, इस कीबोर्ड से आप किसी भी बंदे को ऑन वीडियो फरार कर सकते हैं। भाई जो बोलेगा भाई इस कीबोर्ड को यूज ना करो, तो उसके इस कीबोर्ड को घंटा भी नहीं पता चलेगा एक कीबोर्ड कौन सा है। तो बाद में इसकी वीडियो आप देंगे तो बोलेगा भाई ये कौन सा कीबोर्ड है, आप मुझे एक कीबोर्ड दे दो। तो समझ सकते हैं एक कीबोर्ड काफ़ी औसम कीबोर्ड है। चलता हूँ मैं इसकी सेटिंग दिखा देता हूँ आपकी, इसकी सेटिंग क्या है। तो मैं इस कीबोर्ड को ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पे जैसे कि आपको दिख रहा है एमहेरिक कीबोर्ड है और कोई कीबोर्ड नहीं है, नहीं तो भाई कुछ लोग हैं बोलते हैं ना भाई बेकूफ़ बनाते हैं दूसरे कीबोर्ड देके। तो मैं यहाँ पे आपको लोगो वगैरह दिखा देता हूँ एमहेरिक कीबोर्ड। यहाँ पे कंटिन्यू का ऑप्शन आ रहा है, जैसे कंटिन्यू पे ऑप्शन पे मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे थोड़ा ऐड आता है, तो इसके स्किप कर देंगे, कट का ऑप्शन आ रहे हैं। तो कट करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं एमहेरिक कीबोर्ड का लोगो भी आ चुका है आप सबके सामने। यहाँ पे जैसे कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे थीम्स का और टेक्स्ट कीबोर्ड का और सेटिंग का, हाउ टू यूज और रिमूव एड्स और मोर ऐप का ऑप्शन आ रहा है। यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली थीम वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है, आपके सामने एक ऐड आएगा, उसको स्किप कर देना पड़ेगा आपको यहाँ पे। जैसे कि स्किप करने के बाद यहाँ पे आप सबके सामने अनएक्सपेक्टेड की बैकग्राउंड का आपको दिख रहा है और प्रेसेस्ट की बैकग्राउंड का ऑप्शन दिख रहा है। इस अनएक्सपेक्टेड वाले पे क्लिक करके आपको ये वाला पिंक वाला आपको सिलेक्ट करके डन कर देना है। तो आपको और कुछ नहीं करना है, सिंपली बैक आ जाना है और यहाँ पे सेटिंग वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना, ऐड आएगा, ऐड को आपको स्किप कर देना पड़ेगा, आपको और कुछ नहीं करना है। तो जैसा मैं स्किप करता हूँ, यहाँ पे सेटिंग वगैरह ज़्यादा है नहीं, यहाँ पे साउंड का ऑप्शन दिख रहा है और वाइब्रेशन का ऑप्शन दिख रहा है, लैंग्वेज चेंज का ऑप्शन दिख रहा है और आपको यहाँ पे कुछ शो नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, सेटिंग वगैरह कुछ नहीं है इसमें। और यहाँ पे टेस्ट कीबोर्ड, मतलब यहाँ पे आपको देखना है कीबोर्ड आपको कैसा दिख रहा है। यहाँ पे जैसे कि ये वाला मेरे सामने ऐसा दिख रहा है, तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, यूज भी कर सकते हैं यहाँ पे कीबोर्ड आपको कैसा शो हो रहा है। तो यहाँ पे कट कर देंगे, यहाँ पे कॉपी पेस्ट का ऑप्शन है, जो आपको पसंद है कर सकते हैं। भाई एक कीबोर्ड काफ़ी औसम कीबोर्ड है, इस कीबोर्ड को लेने के लिए हमारे व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, आप व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और हाँ, हमारे यूट्यूब चैनल पे न्यू है तो प्लीज प्रवीण ट्रीकर को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा लेटेस्ट वीडियो अपडेट के लिए। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टाटा बाय बाय, जय हिंद।